नमस्कार, न्यू रेसिपी में आपका स्वागत है। मौसम परिवर्तन हो रहा है, सर्दी जुकाम ना हो, इसलिए हम ये बाजरे का दलिया बनाएंगे। इस दलिया के लिए हम ये 1 कप बाजरे का आटा लेंगे। आप ये रेसिपी बनाने के लिए साबुत बाजरे को पहले भून के मिक्सी में पीस के भी ले सकते हैं। हमने ये पीसा हुआ आटा लिया है, तो हम इसे पहले भूनेंगे। गैस जला के कढ़ाई में 1 चम्मच ये घी डालेंगे। अब हम वो 1 कप आटा डाल देते हैं। आटे को हमें लगातार चलाते हुए सेकना है। ये 1 चम्मच घी की वजह से दलिये में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपको घी नहीं खाना है तो आप इस आटे को बिना घी के भी भून सकते हैं। ये दलिया सर्दी जुकाम और वजन कम करने में भी बहुत ही उपयोगी है। इस दलिये को आप 3 अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी है। आप ये दलिया ज़रूर बनाइए। इसी तरह की और आगे आने वाली नई नई रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आटे का हल्का कलर चेंज हुआ है, अब इसे थोड़ा और पकाएंगे। आटे में से अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब आटा हमारा पक गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। आटा हमारा हल्का ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये गैस पे भगोना चढ़ा के इसमें पानी गर्म करेंगे। 1 कप आटे के लिए हमने ये 3 कप पानी गर्म किया है। ये 1 कप नॉर्मल पानी से इस आटे का अच्छे से घोल बनाएंगे। ठंडे पानी से आटे में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। और इसी तरह लगातार चलाते हुए आटे का एक चिकना घोल तैयार करना है। मैंने इस 1 कप आटे में 1 कप पानी डाल के घोल बनाया। आप 1/2 कप पानी और डाल सकते हैं। आटे और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये भगोने में पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये घोल डालेंगे और लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसी तरह चलाते हुए मिलाएंगे तो दलिये में हमारे गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। इस प्रकार आप ये बाजरे की रेसिपी ज़रूर बनाइए। आप भगोने में आटे का घोल डाल के इस तरह की मथनी से भी मिक्स कर सकते हैं। इस दलिये को जिन्हें सर्दी जुकाम नहीं है वो भी खा सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है जो नमक और मीठे के साथ भी खाई जाती है। अब हम इसमें 1 चुटकी ये हल्दी मिलाएंगे। हल्दी की वजह से कलर भी अच्छा आएगा और हल्दी एंटीबायोटिक होती है तो सेहत के लिए भी अच्छी होगी। इस दलिये को लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ये दलिया आपको और पतला रखना है तो आप इसमें 1 कप गर्म पानी और डाल दें। आप अपने बच्चों को बचपन से ही मोटे अनाज खिलाने की आदत ज़रूर डालें। अब हम इसमें 1/2 चम्मच ये नमक डालेंगे। दलिये में नमक और घी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस नमक की वजह से दलिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। दलिया हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। दलिया हमारा अच्छे से पक गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। आप इस दलिये में लौंग और काली मिर्च भी कूट के डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इस दलिये को आप 3 तरह से खा सकते हैं, तो हम इसे 3 अलग अलग तरीके से सर्व करेंगे। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इस दलिये को मीठा खाना पसंद करते हैं तो सारे दलिये में चीनी या गुड़ मिला के रख सकते हैं, या आप इस तरह घी और गुड़ डाल के भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म दलिये को घी और गुड़ के साथ और ठंडा होने के बाद गर्म दूध के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये दलिया बनाने की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस दलिये को आप दही और लस्सी के साथ भी मिक्स करके पी सकते हैं। आप इस दलिये को स्वाद अनुसार बनाइए और खाइए। आप इस खिचड़ी में गुड़ की जगह चीनी या बूरा भी ले सकते हैं। आप इस दूध और खिचड़ी में चीनी भी मिला सकते हैं। बाजरे के ढेर सारे फायदे और बाजरे की नमकीन खिचड़ी की रेसिपी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन